नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ लोगों का अन्य राज्यों से आजमगढ़ जिले में ट्रेन से, बसों से और पैदल पहुंचना जारी है। इस बार पंजाब के लुधियाना से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंची। अपने जिले में पहुंचकर प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। इसके बाद उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बाद में उनको बसों से उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया, जहां पहले वो उनके क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 2 दिन रहेंगे। इस दौरान अगर उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते तो उन्हें घर में 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना से सोमवार को ट्रेन करीब 2 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंची। 24 बोगियों की ट्रेन में कुल 1200 मजदूर सवार थे। सबसे पहले एक एक करके मजदूरों को उतारा गया, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर नोट किए गए। उसके बाद गेट पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया। परीक्षण के बाद उनको लंच पैकेट देकर घर जाने वाली सरकारी बसों में बिठाया गया, जिसके बाद प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हो गए। वापस लौटे मजदूरों ने बताया कि रास्ते में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है, घर पहुंचना चाहते थे और सरकार उन्हें ट्रेन के माध्यम से घर लेकर आई है। मजदूरों ने कहा कि हम सभी अपने घर पहुंचकर काफी खुश हैं। उन्होंने सरकार के प्रयास की सराहना भी की। अमित कुमार, कहाँ रहने वाले हैं? ग्रामपुरा जित्तू। कहाँ काम करते थे आप? हम काम करते हैं लुधियाने कश्मीर नगर। कितने दिन से फंसे थे आप? जी अरे हम तो फूलपुर से काम यहाँ से गए थे, 6 महीने हो गया। और जब तक लॉकडाउन चालू हुआ तब से बैठ के खा रहे थे जितना कमाए थे। हमारा मालिक भी जितना कमाए थे उतना पैसा दे दिया पूरा। लॉकडाउन जब तक था, रहता था, तब भी बोल रहे थे कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। खाना का जो जितना पैसा था उतना खा रहे थे, जब खत्म हो गया फिर चले आए। टिकट लगाया? नहीं, टिकट नहीं।